सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। कृष्णा आए, सोना लाए, खुशानदार मैच जो पूरे देश ने देखा। हमारे साथ हैं कृष्णा नागर जो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। कृष्णा, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। ओवरऑल कैसा रहा परफॉर्मेंस? सर, ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा था। जितना हमने मेहनत करा था वो सब कुछ मतलब हासिल करा, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमने जितनी भी मेहनत करी थी और इतने साल से जो मेहनत कर रहे थे इसके लिए, वो अब इसके अब उसके बदले हम गोल्ड मेडल लेकर आए हैं हमारे इंडिया के लिए, देश के लिए, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात। कैसा फील हुआ जब प्राइम मिनिस्टर ने बात की? जब प्राइम मिनिस्टर सर ने हमसे बात करी तो बहुत मतलब ऐसा लगा था कि एक बार के लिए हम ब्लैंक हो गए थे, हम क्या बोलें क्या नहीं बोलें। एक बार तो मेरे मुझसे हाय हाय कहा, तो हाय सर, हाय सर, हाय सर, हाय सर, हाय सर। एक बार जब उन्होंने कॉल आया, थोड़ा इमोशनल भी था वो एक तरीके से, क्योंकि एक तो मेडल जीते, फिर ऊपर से पीएम सर का कॉल आ रहा है, तो मोमेंट जो था वो बहुत डिस्क्राइब नहीं कर सकता उस मोमेंट को, वो कैसा मोमेंट था हमारे लिए। अच्छा, एक बात और थी, जैसे आपका फाइनल था, ऐसा अक्सर होता नहीं है, लेकिन पूरा देश आपका मैच देख रहा था, तो मतलब एक एक्साइटमेंट था और उम्मीद थी कि आप लेकर आएंगे। आप कितने नर्वस थे मैच से पहले? मैच से पहले मैं बिल्कुल नर्वस नहीं था, इतना कुछ भी नहीं था। नहीं, मैं नर्वस नहीं था बिल्कुल। मेरा बस यही था कि कैसे भी करके गोल्ड लेना है अपन को यहाँ से, और गेम खेलना, बस मेरे दिमाग में इतना ही था। और इतना ही था कि मुझे पॉजिटिव खेलना है, मेरा गेम रैली कंटिन्यू करनी है, तो मेरा गेम अपने आप पॉइंट्स मिलते रहेंगे और अपने आप मेडल आ जाएगा। अच्छा, जब आप वहाँ, तो आपने मेडल जीता, एहसास हुआ इंडिया आके एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक, लग रहा है कि कुछ कमाल हो गया? हाँ, पैरालंपिक में अभी इतना अच्छा सपोर्ट मिला, जब एयरपोर्ट पर आए तो इतनी भीड़, इतने लोगों को देखकर ऐसा लगा कि हाँ कुछ अचीव करा है हम लोगों ने, कि इस जिसकी वजह से इतना, तो हमें बहुत अच्छा लगा था एयरपोर्ट पर जब हम आए थे। और इतना सपोर्ट मिला ISI से, PCI से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, स्टेट गवर्नमेंट से, तो बहुत अच्छा लगा था उस वक्त हमारे को। कृष्णा, फ्यूचर क्या देखते हैं आप? जिस तरह से जो बैडमिंटन है, मतलब इतने मेडल आए हैं, मतलब शटलर्स को हर कोई जानने लगा है, चाहे ओलंपिक की बात हो जो एबल्ड प्लेयर्स का था या आपका हो, ऐसा लग रहा है कि हम बैडमिंटन का हब बनते जा रहे हैं? होप्स होगी, आपके मुंह में घी चक करके आप बैट ऐसा बोल रहे हैं बैडमिंटन का हब बनता जाए जल्दी। तो जैसे कि देखा जा रहा है, तो इतना सपोर्ट होने के बाद इतना अगर मिल रहा है, अगर ऐसे ही धीरे धीरे और सपोर्ट मिलता रहा और सब गेम्स को, तो इंडिया ही पूरे स्पोर्ट्स, हर स्पोर्ट्स का हब बन जाए, क्या पता हर तरीके का स्पोर्ट्स यहाँ पर इंडिया में अवेलेबल खेला जा सके, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अच्छा, आगे के लिए क्या प्लान है आप लोगों के, क्या क्या दिमाग में है? अभी तो बहुत सारे इवेंट्स होने हैं। अभी तो कुछ यही है कि ओलंपिक का जो ये मेडल जीता पैरालंपिक, इसको एंजॉय किया जाए, थोड़ा वक्त फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ एंजॉय किया जाए, अभी तक इतना ही सोचा है, इसके अलावा अभी कुछ नहीं। अच्छा, जब पहुँचेंगे आप होम टाउन, ग्रैंड वेलकम की तैयारी वहाँ भी है? हाँ, वहाँ पर भी तैयारी है। जैसे कि अभी मुझे दोस्त वो सबके फ़ोन बनाए थे, तो उन्होंने बोला आप घर वालों के कि मेडल की तैयारी, तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी। तो एक बार अपना गोल्ड आप दिखा दीजिए दर्शकों को, मतलब अच्छा खासा भारी वजनी होता है ये, मतलब काफ़ी भारी ये मेडल है, और ये गोल्ड, ये ग्लोरी, ये जो है ये प्राइड कृष्णा हमारे लेकर आए। कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात। थैंक यू सर, थैंक यू। तो कृष्णा हमारे साथ थे, गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है और बता रहे थे कैसा उनका अनुभव रहा। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MHN प्राइम, दिल्ली।